साजिद गाजी आणि इरफान नजी यांच्या मार्फत आपल्याला उपलब्ध झाले आहेत आणि मेडल आपण पाहतोय ते प्रमोद खंडकले यांच्याकडून मेडल आलेले आहे. सर्व संघांनी नोंद घ्यायची आहे. आपला 12वी खेळाडू पूर्ण ड्रेस मध्ये या ठिकाणी उपलब्ध पाहिजे. आपलं सहर्ष स्वागत. याचे अशोक धुले तो चलिए बात करेंगे. दत्ता मामा देखिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. और मैडी सर सेकेंड इनिंग्स में आपके सामने जुड़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी एनर्जी है, उनकी आवाज़ में ऐसे दर्द है दत्ता मामा जैसे नाने पाटेकर. उनका नाम मैंने दिया है, बहुत एनर्जी जान डालते हैं, इतना आसान नहीं रहता है सेकेंड इनिंग्स में. और उस जोश जज्बा जुनून और ख़ास करके मैंने ही फरमाइश किया है उन्हें सेकेंड इनिंग्स के लिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स ऐसा रहता है मैच में बहुत कुछ जान डालना पड़ता है. चलेंगे थोड़ा मुकाबला की तरफ. बहुत बढ़िया मैच देखिए, पिछला मैच भलाई था, यहाँ पर आखिरी गेंद तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिस तरह के निहार की बल्लेबाजी देखने को मिला, बहुत मजा आया उनकी बल्लेबाजी देखने के साथ साथ कितनी अच्छी मेहनत किए होंगे अभ्यास के दौरान. अंपायर की तरफ से देखिए फिर से एक बार शॉर्ट सिग्नल देखिए यहाँ से आता हुआ, मतलब मुकाबला शुरू हो रहा है. यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो धारुल टीम ने देखे टॉस जीतकर फील्डिंग और पहली गेंद के पर इसे कहते हैं पहली नजर में. भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया चार. क्या बात है, इस खुदा गवाह पिक्चर को देखने के बाद कई नौजवान ने बड़ी बड़ी महारानी से भी दिल लगा लिए थे. और यहाँ चलिए भाई से यहाँ पर कमाल के देखे वापसी यहाँ पर करते हुए, तो चल में आया ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर साझेदारी टूटता हुआ. बीच है मेहराज भाई को गुजारिश करना चाहूंगा आइए तशरीफ रखिए मंच पर. और देखिए पहली गेंद के पर चौका लगा और उसके बाद विकेट से. और दत्ता मामा इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था. पहली गेंद के पर चौका दागे बल्लेबाज का जुनून था, लेकिन इस बार देखिए विकेट मिलता हुआ गेंदबाज को सुकून. और बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखिए, पहली मरतबा क्राउड देखिए यहाँ पर बेहतर बनते जा रहे हैं. हर टीम देखिए एक सपना लेकर आते हैं इस मैदान पर, केस कैसे भी एक दो मैच जीत कर इस ट्रॉफी तक पहुँचाएं, लेकिन कहते हैं ना सपना तो टूट जाता है, लेकिन जो खुली आंखों से सपना देख कर आते हैं वो हकीकत में बदल जाता है. ये चले अक्रॉस द लाइन, घुटना टेक, तमाशा देख, फील्डर भाग रहे हैं गेंद को रोके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने बड़ी आसानी के साथ दो रन मुकम्मल कर लिए. आउटफील्ड देखिए थोड़ी सी नमी है, थोड़ा सा मदद मिल रहा है बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद रोक कर छा रही है, लेकिन चौकी का बात करेंगे ना गुंजाइश, इसके लिए टाइमिंग संपर्क ताकत हर कुछ चीज देना होगा. स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 6 रन. टॉस पहले देखिए हारने के बाद और पहले देखिए कानोर टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी मिली है टॉस हारने के साथ, लेकिन शुरुआत में देखिए यहाँ पर विकेट गिरा. ओहो हो कमाल की गेंद देखिए, हल्की से टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ मुड़ा जैसे केला के जैसे.
केले के जैसे गेंद मुड़ता हुआ गया, इसलिए तो कहा भाई उंगलियों से गेंद घुमाना ये उससे भी बड़ी बात है। फुटबॉल पैरों से खेलना एक बड़ी बात है, गेंद को उंगलियों से घुमाना उससे भी बड़ी बात है। ये चलिए बल्लेबाज को घुमा रहे हैं भाई, नागिन नागिन बना रहे हैं। ये डॉट गेंद कम खेलना होगा, कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, क्योंकि जहां रनों की जरूरत है अगर आप अच्छी टोटल सेट नहीं करते हो तो फिर मुश्किल बन जाएगा। जो वांगनी गांव टीम के साथ हुआ शायद वही नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल के बल्लेबाज ऐसा है अकेले खुद के बाजू में खुद की ताकत में मैच घुमाने की ताकत रखते हैं। हल्की हाथों से गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे, इस नो चलता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों बल्लेबाज अपने जगह पर। सुनित ये भी अच्छी सोच है, जोखिम नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, अगर शुरुआत में विकेट गिर जाए तो फिर नाजुक स्थिति बन जाएगा। और इसके साथ साथ बात करेंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट यानी पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ यहाँ पर खुश रहेंगे यहाँ पर धारोल टीम। देखिए यहाँ पर फील्डिंग का जितना डिसीजन लिए थे यहाँ पर, लेकिन उनके गेंदबाजों ने अच्छे काम करके दिए हैं नया गेंद से। और हर टीम में देखिए दो गेंदबाज ऐसा होना चाहिए कामिल, आप पूरी टूर्नामेंट जीत सकते हो। अगर पूरी टूर्नामेंट जीतना है ना आपको दो गेंदबाज ऐसा होना चाहिए। दत्ता मामा नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना, जिसे कहते हैं ना अगरबत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर को लगाने के लिए, एक भगवान को लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर इतने आसान से जाते नहीं है और भगवान को बुलाओ तो इतने आसान से आते नहीं है। तो इसलिए हर टीम में ऐसी दो गेंदबाज होना चाहिए जो शुरुआत ओवर में विकेट दे सके, आसान नहीं रहता है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को, और पुरानी गेंद से रन बचा सके ये भी आसान नहीं होता है, तभी दसवां नंबर का बल्लेबाज भी चौके छक्के लगाने की उड़ान करता है। तो चलिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल देखिए, मैडी सर जैसे कहते ना मौसम है मस्ताना, और ग्रामस्थ मंडल देखिए गोरेगांव के पर काफी उपस्थित है। और यहाँ पर देखिए हल्की हाथों से खेला, यहाँ पर एक रन बड़ी आसानी के साथ आता है, ये काम करना होगा आपको। देखिए डॉट गेंद खेलने से बेहतर सिंगल डबल ले लीजिए, कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक छोटा सा उड़ा पाव का धंधा भी शुरू कर दो, भले ही चौके छक्के ना आए लेकिन सिंगल डबल ये चलना बहुत जरूरी है। स्कोर बोर्ड है, स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 7 रन, कहते ना एक एक बूंद से समंदर बनता है। इस बार गेंद को जाने दिया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इजाफा, देखिए अंपायर थोड़ा दिक्कत में आ गए थे क्योंकि गेंदबाज देखिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल बदल कर थोड़ा बाहर की तरफ निकले थे, अंपायर को भी थोड़ा सा देखिए सफल होना पड़ा। हम बल्लेबाज को देखते हैं सफल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर को भी सफल होना पड़ रहा है। और इस बार देखिए ऐसा लगा पहले बल्ले पर गेंद गया, उसके बाद शरीर पर, और ये देखिए नजदीकी मामला, और यहाँ पर देखिए रनआउट, और वो तो यही कह रहे हैं भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गहरों में थम था, और जहां मेरा बल्ला पहुंचा वहां से चूना का लाइन दूर था। तिसरा सामना असेल पिंपळवाडी विरुद्ध डोके दापिवली, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी स्टेजशी संपर्क साधून आपले टी शर्ट कलेक्ट करायचे, पिंपळवाडी विरुद्ध डोके दापिवली। तो चलिए खूबसूरत देखे डीजे मास्टर ने, यहाँ पर तेरी रहमतों की दरिया, कहते हैं ना हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है लेकिन मेरे रसूल को अपनी उम्मत से प्यार है। और ये चलिए भाई कमाल के यहाँ पर देखिए लेट कट्स खेले यहाँ पर, और काफी सफल चौका आता हुआ। दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ, एक बड़ी खिलाड़ी बनने का अच्छा मौका रहता है हमेशा, देखिए टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन भी देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी खूबसूरत ये माहौल। देखिए जब एमटीसी लाइव पहुँचता होगा वहाँ तक के मैदान के नज़दीक से, देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन से
जहाँ वांगनी स्टेशन मुझे पहुंचना था, लेकिन सब बदलापुर स्टेशन पे पहुंचा, क्योंकि वहां पर देखे मैडी सर उनका साथ मिला। और ये चलिए सफल हो गए, लॉन्ग लेग को बीट कर दिया और गेन डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बात करेंगे टोटल देखिए, जाकर पहुंचा 16 रन। और ये चलिए भाई रिवर्स शॉट देखिए, और कितनी आसानी के साथ फील्डर भाग रहे हैं, आखिरी समय में गेंद को रोके, लेकिन से दोनों बल्लेबाज को देखिए विकेट के बीच में कितना रन मुकम्मल कर लिए भाई, 3 रन। देखिए ये टेनिस गेंद इतना वक्त लेकर जाता है ना मेडी सर, और बल्लेबाज के पास उतना मौका था कामिल डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करने का, बल्लेबाज के पास इतना समय था जैसे कितना एक कप चाय पीने के साथ 3 रन ले सकते थे, क्योंकि आजकल चाय का कप का साइज भी देखिए बहुत छोटा हो चुका है, ऐसा लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 19 रन। चलिए टीम मीटिंग थोड़ा सा कम लीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए, धारुल टीम के कप्तान से खास करके गुजारिश करना चाहेंगे, अभी तक अच्छी क्रिकेट आपकी तरफ से देखने को मिला है, भलाई देखिए पर रन काफ़ी खर्चे हुआ इस ओवर में, 13 रन खर्च किए हैं। मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे, जो 2 ओवर रहता है वहाँ पर रन बनाने की हर बल्लेबाज कोशिश करते हैं, जैसे ओवर की समाप्ति होगा समय मिलेगा खेलेंगे हम, अभी डीजे मास्टर के पास मौका नहीं, लेकिन कितनी खूबसूरत देखिए उन्होंने रोमांटिक को संग सुना रहे हैं, और बात करेंगे तो कुछ बेहतर कवाली देखिए, इस्लामी कवाली देखिए यहाँ पर मनोरंजन देते हुए, निश्चित रूप से हर चीज़ होना चाहिए। और गोरेगांव देखिए ग्रामस्थ मंडल पूरी खुश हैं, चेहरे पर बढ़िया खूबसूरत देखिए नूर, यानी एक चेहरे के खूबसूरत को भी नूर कहते हैं, और ये देखे इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद है, फील्डर हैं, और आखिरकार ये क्या हो गया, क्या छूटा, यानी गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई, कहीं ट्रॉफी का पहुंचने के लिए सपना लेकर जो मैदान पर उतरे हो वो सपना कहीं टूटता हुआ, इस तरह की कैच लेना होगा, क्योंकि बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है भाई, मेहनत से पकड़ती है। पहले ही देखिए 19 रन 2 ओवर में जा चुका है यहाँ पर, और कैच छूटा, उसके बाद फिर से एक बार मौका बना है, और इस बार देखिए कहीं थी ना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी, और बिल्कुल डीजे मास्टर भी खोल गए हैं, और यहाँ पर देखिए आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे, 14 रन बनाए देखिए 6 गेंद के पर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दिनेश, और एक नई बल्लेबाज देखिए मैदान पर उतरे हैं, नई बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता है, कामिल कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर, और नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन दिनेश एक सेट हो चुके थे, एक सेट बल्लेबाज देखिए यहाँ पर आउट होते हुए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 21 रन बनाए हैं, सही बात भुवनेश अब लीजिए 4 बंधु देखे, कितनी अच्छी मेहनत देखे उनका, और ग्रामस्थ मंडल से गोरेगांव टीम, आज उमर 11 से गोरेगांव टीम देखे आखिरी मैच है, अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा इस बार, देखिए थोड़ा सा आउट स्विंग देखने को मिला, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकला, कहते हैं ना फूल से दोस्ती करो तो कांटों से खतरा, अगर शराब से दोस्ती कर लो तो फिर ईमान को खतरा, तो डॉट गेंद से यहाँ पर दोस्ती करो तो फिर आपकी टीम को बनेगी खतरा। जब रन की बात करेंगे, अगर रन बेहतर नहीं बना पाओगे एक टोटल अच्छा सेट करना होगा आपको सबसे पहले, और ये चलिए अंदरूनी हिस्सा विकेट कीपर की तरफ से कोई गलती नहीं, यही बात कर रहा था कि नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, और यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ।
रस्ते पे जाओ बेलपुरी खाओ लेकिन लड़के मड़के मत घुमाओ, क्योंकि पहले के तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे रोशन, लेकिन आजकल के नौजवान तोतले हो जाते, कहते अलेले मेरी छोड़नो तो गुस्सा हो गई क्या। तो दिल लगाना है तो भाई क्रिकेट से लगाओ, अपनी मम्मी पापा से दिल लगाओ। मैं कभी भी कहता हूँ किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ा झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाएगी। इसलिए तो कहा था कि माँ की दुआ लेकर जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि मैं जन्नत में होता हूँ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 21 रन है। डीजे मास्टर भी बिल्कुल अच्छा लगा, उनकी भी अंदाज है, काफ़ी जल्दी हमें भी उन्होंने पहचान लिए। और ये चलिए यहाँ पर एक्रॉस द लाइन, देखिए सफल हो गए थे, नहीं तो ये गेंद देखिए वाइड के लिए हो सकता था, लेकिन इतना आप गेंद के करीब जाकर, कहते हैं ना किसी के घर पे जाकर हमला करोगे तो फिर तो पुलिस कंप्लेंट तो होगी भाई। अगर आप इतना सफल होकर जाकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर जो लाइन के जगह आपको तो डॉट के यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंपायर देखिए इसलिए इस चीजों के लिए। और ये चलिए यहाँ पर हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग सम पर बहुत बेहतर, लेकिन सीधा देखिए फील्डर के हाथों पर कैच। पिंपलोलीवाड़ी विनायक गोरे आणि ढोका दापोली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आहे की आपण येऊन आपले टी शर्ट कलेक्ट करायचे। ढोके दापोली आणि पिंपलोलीवाड़ी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर यासिर भुबरेश साहब, देखिए उनकी तरफ से खास करके 500 रुपया हमें खास करके फिर से उनकी तरफ से फरमाइश हुई है। कहते ना माँ की दुआ लेकर जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि मैं जन्नत में होता हूँ। देखिए मैं बतौर उड़ीसा का हूँ, मैं भी दुआ लेकर निकला था महाराष्ट्र में। आज देखिए इतने अच्छे लोगों के बीच में महाराष्ट्र में, देखिए मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, ना बंदूक के विचार से ना तलवार की धार से, अगर आज बाबू शाह फेमस है तो ठाणे रायगढ़ से, महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से, लेकिन माँ की दुआ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना माँ अगर जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर खुशियों को आपका देखिए पूरा करता है वो पिताजी, एक बाप होता है निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर यासिर भुबरेश आपका तेज से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ग्रामस्थ मंडल पूरा। और टोटल की बात करेंगे, जितेंद्र की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 ओवर गेंदबाजी की, 2 ओवर की स्पेल में देखिए 8 रन खर्च किए और 4 विकेट देखे, रेड की हड्डी तोड़ दिए और बहुत कमाल गेंदबाजी। कल हमने देखे जय हनुमान जोइली टीम की बात करेंगे ना, प्रेम धोले ने कमाल की गेंदबाजी की, पहले मैच में सार सफलता लिए थे वो भी अंतिम ओवर में आकर, जहाँ से पहला मैच जीते थे उसके बाद दूसरा मैच में देखिए अच्छा रन बनाए थे लेकिन सपना टूटा था उस मैच को बचाने के लिए। चला पिंपलोली वाडी आणि ढोके दापोली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से, 21 रन बनाए, ओहो चलिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, तो चलिए डॉट गेंद देखिए, जितनी डॉट गेंद खेलोगे आपको उतना मुश्किल बनेगा। डॉट गेंद में हमेशा कहता हूँ कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, आज भी रिकॉर्ड इतिहास देख लीजिए, कोरोना वायरस से ज्यादा नहीं मरे हैं, उसके डर से ज्यादा मरे हैं। लेकिन कहते हैं ना जब तक खुदा की तरफ से आपका मौत नहीं लिखा गया है तब तक है, कितनी भी मुसीबत कितनी भी आफत आ जाए। और ये चलिए यहाँ पर 1 रन ले लिए, सहबाज भुवरेश आपका तारीफ करना चाहूंगा, चारों बंधु ग्रामस्थ मंडल देखिए क्या मेहनत देखिए और खूबसूरत माहौल बनाया है। कहते हैं ना खुद को कर बुलंद इतना, खुदा भी बंदे से पूछेगा बता तुझे तेरी रजा क्या है। सहबाज भुवरेश आपसे देखिए यहाँ पर तेरी बता तेरी राजा क्या है। और निश्चित रूप से देखिए एक समाज के साथ साथ मैं कहूँगा टेनिस क्रिकेट में एक ऊंचा दर्जा एक खूबसूरत माहौल बनाते हुए। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 22 रन बना है, रन नहीं आ रहा है यहाँ पर क्योंकि टॉप ऑर्डर के देखिए बल्लेबाज गिर चुके हैं,
कहते हैं ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ, तो उसी तरह की निचले क्रम के बल्लेबाज से क्या उम्मीद करें जब शुरुआत अच्छा ना हुआ। अगर शुरुआत में कुछ रन आता तो फिर बातें बन सकता था। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहां पर 23-23 रन, लेकिन अभी भी देखिए काफी कुछ मेहनत करना होगा। और इस बार देखिए हवाई फायर, उड़ाया गेंद को, फील्डर है, वाह रे वाह, गिली 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 चंपा, खुश हुए रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। बात है यहाँ पर गिली गिली चंपा और खुश है रंबा, टीम भी खुश रहेंगे, रन नहीं आ रहा था और छक्के की मदद से 29-29 रन गेंदबाज प्रशिक बताया। फिर से देखिए बड़े हिट से नजदीक यहाँ पर कवर थे, गेंद हाथ से निकला और दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से सिंगल चुरा लिए। यहाँ पर छक्का लगाने के बाद सिंगल बल्लेबाजी की बात करेंगे तो नकुल, नकुल ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, चौके छक्के भी लगाना आता है भाई, सिंगल डबल भी। सहबाज भुवे ऋषभ देखिए चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान है। ग्रामस्थ मंडल गोरेगांव चार बंधु देखिए मैंने जिक्र किया, उनका निश्चित रूप से बहुत अच्छी मेहनत देखिए। और सहबाज भुवे ऋषभ की बात करेंगे ना, इनके आज नाम इज्जत आज कहूँगा वांगनी में नहीं पूरी टेनिस क्रिकेट में देखते हैं। डोंबोली लीजिए, रायगढ़ लीजिए, और टोटल की बात करेंगे तो टोटल देखिए 30 रन बनाए। मैडी सर भी बिल्कुल बहुत तारीफ कर रहे थे, तारीफ के फूल बांध रहे थे। मैडी सर कहा जाए तो सहबाज भुवे ऋषभ के घर के जैसे उनके टूर्नामेंट है, निश्चित रूप से। दत्ता मामा देखिए वही प्रेम निश्चित रूप से, चार दिन है उनका आवाज निश्चित रूप से रहेगा इस मैदान पर। और उसके साथ साथ देखिए जिन कमेंटेटर ने मैडी सर हर साल इस टूर्नामेंट में उपस्थित दिखाए हैं वो कमेंटेटर भी आपको देखने को मिलेंगे, विनोद पाटिल सर, योगेश मडवी सर देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है दत्ता मामा और मैडी सर, जिस तरह के आपने इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है और निश्चित रूप से वही प्यार आपको यहाँ पर घर के जैसे ये कॉमेंटेटर निश्चित रूप से और तारीफ करना चाहूँगा, ये रहना चाहिए एकता। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 30 रन बनाए। ढोकेदार फिल्डिंग संघ कर्णधार अपन अपने टी शर्ट कलेक्ट कर रहे जित, तो चलिए बात करेंगे ढोके डापुली, बात करेंगे रुपेश जी, एक अच्छे दोस्त आयोजन करता हूँ जिनके टूर्नामेंट में भी हम तशरीफ रखे थे। मैडी सर अब बात करेंगे जोएली के टूर्नामेंट पिछले साल वहाँ पर तशरीफ रखे थे और कहूँगा बहुत लॉकी टूर्नामेंट है शायद, उसके बाद थोड़ा रास्ता बेहतर यहाँ पर बदलापुर में इस साल, लेकिन चलेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा ओवर है और योगेश देखिए गेंदबाजी के लिए तैयार हैं, पाँचवा ओवर है कि अंतिम ओवर। अरे ये चलिए भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर गेंद था, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। कहते हैं ना एक्स्ट्रा रोने से टोटल आगे बढ़ेगा मंजिल नहीं, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है लेकिन खुद के कंधों में जिम्मेदारी। आप गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो कि हर गेंद खराब यहाँ पर आएगा, रन कुछ बरसेगा। स्कोर की बात करेंगे 31 रन बनाए तो यहाँ से कुछ रन ढूंढना होगा, तो यहाँ पर चलिए बल्लेबाज चल पड़े यहाँ पर और विकेट से मिलता हुआ देखे, चार रनों का जरूरत था शायद। गेंदबाज देखिए यहाँ पूरी तरह से मैं कहूंगा पहचान नहीं सके थे, लेकिन विकेट कीपर देखे उस साइड दिखाए और बड़ा विकेट यहाँ से गिरता हुआ। यहाँ पर देखिए टोटल बात करेंगे 31 रन, देखिए यहाँ पर नकुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दत्ता सर, यहाँ पर देखिए नकुल का विकेट गिरने के साथ साथ मैं कहूंगा बहुत कुछ दबाव, क्योंकि रनों का देखिए यहाँ जरूरत है कहीं से भी, लेकिन फिर भी कोई भी टोटल को दत्ता सर छोटा नहीं मानना चाहिए। अक्षय में काबिलियत है, अक्षय कर सकता है, लेकिन स्ट्राइक मिलनी चाहिए अक्षय को। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी में ताकत है। कहते हैं ना आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए, तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी को छोटा नहीं मानना चाहिए। और ये चलिए बॉडी के दूर से खेले लेकिन सब बिन पाइल से बजी घुंघरू, चम 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 चम, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रोने से मैं पहले ही बताया कि टोटल आगे बढ़ेगा भाई, मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए
कहते हैं ना, अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। अगर आपको एक अच्छी टोटल सेट करना है कम से कम 40 तक, तो फिर जोखिम लेना होगा। जोखिम लिया, हवाई फायर, संपर्क देखते हैं कितना अच्छा है, फील्डर है और गोद में लिया इस कैच को, और एक विकेट गिरता हुआ यहां से। की बात करेंगे ना, काफी लंबी समय से देखिए बल्लेबाजी में आए थे, उन्हें गेंद नहीं मिल रहा था, लगातार विकेट जा रहे थे, वो नॉन स्ट्राइक पर तमाशा देख रहे थे। मैडी सर जैसे कहते ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलोट कब मिलेगी इन साहब, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट गिरते जा रहा था। तो यहां से देखिए अक्षय स्ट्राइक पर आएंगे, गेंद उनके सामने कितना बचा है, रोशन जी की तरफ थोड़ा चलते हैं, तीन गेंद से लेकिन से अंतिम तीन गेंद के पर योगेश, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम, कमाल की गेंदबाजी, श्लोक ओवर में देखिए रन बचाए हैं, लेकिन अक्षय देखे भूखा सिर, ओहो हो अक्षय के सामने देखे, यहां पर गेंद बाहर की तरफ टप्पा खाने के बाद विकेट में देखे कितनी जान है, अतिरिक्त बाउंस यहां पर लेकर निकला, लेकिन अभी भी दो गेंद बचाए। जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो, अगर गुरु बनना है ग्लेन मैक्सवेल तो फिर एकाक चौके छक्के लगाकर देखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम देखे बड़े मैच में कैसे चमक जाते हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही थी, टेढ़ी उंगली करना पड़ा, लेकिन श्लेक भाई के रूम में एक रन आता हुआ, लेकिन ये सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है भाई। कहते ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको 40 का जो टोटल है ना वो नहीं मिलेगा। 40 तक पहुंचने के लिए कहते ना कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो, यहाँ भी छोटा सा पहाड़ है वो मत मारो। आखिरी गेंद है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है कैलाश, देखिए यहाँ पर नवा नंबर के बल्लेबाज हैं, टेनिस क्रिकेट में देखिए 11 नंबर का बल्लेबाज भी छक्का लगा देता है। आजकल कब्रस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए आठवां दसवां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है, इसलिए तो हीरो बनने का कभी भी रहता है मौका। लेकिन कैलाश ने यहाँ पर थोड़ा सा सफल हुए थे, लेकिन कहते ना नजरे कहीं निकाले, कहीं बल्ला, कहीं गेंद, कहीं और एक डॉट गेंद निकलता हुआ, एक अच्छा ओवर रह के अच्छा स्पेल समाप्त होता हुआ, और चार ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था, देखिए स्कोर की बात करेंगे ना, एक अच्छा स्थिति में फिर भी थे, लेकिन अंतिम ओवर देखिए यहाँ पर जहाँ रन आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत नबीतुली गेंदबाजी मिल गया, और कुल देखिए यहाँ पर 33 रन बनाए हैं, जीत के लिए 34 की जरूरत है। ड्रेसिंग कंपलसरी, चेसिंग कंपलसरी, और यहाँ से चलेंगे यहाँ पर टॉच बॉक्स की तरफ दत्ता मामा, लेकिन उसके बाद जाएंगे मैडी सर, आएंगे कमेंट्री बॉक्स पर। मैडी सर देखिए यहाँ पर लो फाइटिंग टोटल है, 34 रनों के टारगेट से, लेकिन कहते हैं ना दत्ता मामा, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है, भला यहाँ पर 34 रनों का टारगेट है, ये मत सोचिए कि मुकाबला जीत गए, हो सकता है गेंदबाज पलटवार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं टॉच बॉक्स पर और कॉमेंट्री बॉक्स पर बुलाना चाहूंगा मैडी सर। हॅलो, डोके दापिवली संघाचा कर्णधार आपण यायचंय, डोके दापिवली संघ आपण आला असाल तर स्टेजशी संपर्क साधा, एक इनिंग झालेली आहे, नाणेफेक करायचे। हॅलो, हल हल धन्यवाद,
बाबू शाह पुरुष एकदा तमाम लड़का प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत और फ्रेंड्स चषक गोरेगाव 2021 हे पर्व तुम्ही पाहताय दैदित्यमान सोहळा या क्रीडांगणावरती रंगत असताना दुपारचं 17 अच्छा दिवसातील दुसरी लढत तुम्ही पाहताय एका बाजूला कानोर संघ कानोर बॉयज आणि त्याला फाइट करत असताना प्रतिस्पर्धी संघ म्हटला तर एक दिग्गज लिटिल स्टार धारोल टीम दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत एकाच ताकदीचे एकाच कॅलिबरचे दोन्ही संघ टार्गेट असले या मॅच मध्ये येणारे 30 बॉल आणि धावा बनवायचे ते म्हणजे धारोल टीमला 34 धावा सोपं टार्गेट या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं याच्या अगोदर मोरवली संघाला देखील कमी धावांचं टार्गेट होतं ते चेस करत असताना त्या संघाने मात्र एक चांगली कामगिरी केली आणि या मॅच मध्ये तुम्हाला पाहायचं लिटिल स्टार धारोळ हा संघ कशा प्रकारे हा सामना चेस करेल की इथून कानोर बॉयज हा संघ या मॅच मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करेल गोलंदाजी कानोर संघाची नक्कीच तुम्हाला या इनिंग मध्ये अफलातून पाहायला मिळेल अक्षय देशमुख सारखा गोलंदाज असेल त्याला साथ देत असताना मात्र दिनेश राऊत असे चांगले गोलंदाज या संघामध्ये देखील राखीव असतील चला दोन्ही फलंदाज यांना विनंती करून आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्या दोन सलामीवीर ओपनिंग पेअर नाणेफेकीसाठी यानंतरचा ढोके दापिवली संघाचे संघ नायक आणि त्याला फाइट करेल पिंपलोळी वाडी चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन याला विनंती करण आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये या ढोके दापिवली संघाला ऑफिशियल कॉल असेल चौथी धावांची गरज मैदानावरती सलामीची जोडी जात असताना द्वितीय सत्राला सुरुवात होते अतिशय चांगलं समालोचन तुम्ही ऐकलं असेल पनवेल विभागातील अत्यंत दर्जेदार हिंदी समालोचक बाबूशाह यांचा आवाज आणि त्यांच्या समवेत आज मात्र आम्हाला इथे सेवा करण्याची संधी मिळते तर उमर 11 गोरेगाव आणि गामस्थ मंडळ गोरेगाव यांच्या वतीनं त्यांचा लाख लाख आभार जाऊया मॅचच्या दिशेने नाऊ बॅक टू क्रिकेट गोलंदाज तयार पहिले षटक प्रगती पथावरती गोलंदाज अक्षय देशमुख स्ट्राइक एंडला सलामी वीर आपण पाहिला तर कवी शेंडे आणि नॉन स्ट्राइक एंडला सुनील शेंडे कॅप्टन ऑफ द टीम अतिशय चांगली स्पर्धा आणि चांगल्या स्पर्धेतील हा अतिशय महत्वाचा सामना कानोर वर्सेस लिटिल स्टार धारोल या दोन टीम मध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं की धाबा तुम्हाला कमी पाहायला मिळतील परंतु धाबांमध्ये जे अंतर धावांमध्ये आणि बॉलमध्ये जे अंतर आहे ते मात्र कमी असेल परंतु सामना चुरशीचा होईल यात मात्र शंका नाही आहे गोलंदाज तयार होतात अक्षय देशमुख वेगवान यावेळेस गोलंदाजी मार्कवरती कानोर एक्सप्रेस या नावाने संबोधला जाणारा हा गोलंदाज आपण पाहतो अक्षय देशमुख विश ऑल द बेस्ट गोलंदाज तयार पहिलाच बॉल अतिशय भन्नाट वेग जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता कवी शेंडेचा द्वितीय सत्राला सुरुवात झाली आहे प्रारंभ झाला या मॅचला पहिला चेंडूवाला डॉट धाब संख्या आपण पाहिली तर 34 धाबांची गरज असताना एक मापक लक्ष आणि या मापक लक्षाला ओलांडत असताना मात्र किती अडथळे येतील याचा मात्र प्रश्न तुम्हाला नक्कीच येणार आहे या सत्रामध्ये पाहायला मिळेल कारण गोलंदाजी तितकी भेदक आहे गोलंदाजीमध्ये धार आहे कानोर बॉईज टीम मध्ये गोलंदाज अक्षय देशमुख नामवंत गोलंदाज हेच दाखवून देत असताना पहिला चेंडू डॉट अजून एक चेंडू यावेळेस उसळी घेत असताना जबरदस्त गोलंदाजी फुटवरचा वापर नाहीये अच्छा या शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर धाबत संख्येला तुम्हाला नक्कीच आगाज करायचा असेल तर फुटवरचा वापर आणि पद लालित्य दाखवणं फार गरजेचं आहे कारण सध्याच्या घडीला आणि या सध्याच्या युगामध्ये काय हवं असं नवीन फॉर्मॅटमध्ये मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये पायामध्ये फुटवर्क असणं फार गरजेचं आहे गोलंदाज तयार अक्षय देशमुख जबरदस्त प्रतिम चेंडू अद्यापर्यंत राईट अमोर दी विकेट ऑन साइड ला चेंडू करण्याचा प्रयत्न हलक्यात टॅप केलाय फक्त
या वेळेस चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बिडॉनला चेंडू ट्रॅव्हल झाला, वैभव त्या ठिकाणी होते. चेंडू गॅदर करत असताना अगदी आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षणाचा जणू काही 30 गळी 30 यार्ड सर्कलला विळखा पडलाय असं चित्र पाहायला मिळतं. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट कव्हर पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतं. शॉर्ट स्क्वेअर लेग डीपला मिड विकेट लेग क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत अशी व्हीव रचना कानो टीमची आहे. यावेळेस ऑन साईडला फटका चांगलाय, थोडेसे थांबलेत परंतु चांगला फटका पाहायला मिळतोय. कबीर शेटेच्या बॅट मधून आपल्या नावाचा डंका वाजवत असताना संघर्षाचा शंखनाद करत असताना लिटिल स्टार धारोल टीम साठी येणारा हा पहिला षटका. सुरुवातीचे 3 चेंडू अप्रतिम फेकले, यावेळेस ओर पिच बॉल आणि त्याला पाठवलं सर लॉंग ऑन सी मारेशे बाहेर. पंचांचा इशारा, फिरोज खान सर सांगत असताना 6 धावा या ठिकाणी जोडल्या जात आहेत लिटिल स्टार धारोल टीमच्या खात्यामध्ये. जबरदस्त मॅच अगदी शेवटच्या बॉल पर्यंत येईल असं चित्र नक्कीच सुरुवातीला वाटत होतं, परंतु आता मात्र षटकाराने अशा पल्लवीत करत असताना लिटिल स्टार धारोल टीम. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा यावेळेस अतिशय आगळा वेगळा फटका खेळण्याच्या तयारीमध्ये होते कवी शिंदे, परंतु हा चेंडूवाला डॉट पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला. ऑफस्टिकचा यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू थोडासा पडल्यानंतर फ्लाय झाला आणि इथे मात्र हा उर्वरित चेंडू एसटी रक्षा कंप्लीट करत असताना एस डॉट बॉल. हॅलो, या ठिकाणी यासीरभाई बुबेरे, नय्यारभाई बुबेरे या दोन मान्यवरांचं आगमन होतंय. मी त्यांना विनंती करतो आपण मंचावर बसायचंय. आपलं सहर्ष स्वागत. यावेळेस फुल टॉस बॉल होता, लॉंग लेग सी मारेशे जवळ अलॉंग कार्पेट, चेंडू सरळ चाललाय जमिनीला गुदगुल्या करत बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, खूप मोठा गॅप होता आणि यावेळेस 30 यार्ड सर्कलला चिरत असताना चेंडू सी मारेशे पार हा चौका. हे यांचंही आगमन होतंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. मी पुन्हा एकदा ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीने सर्व पाहुण्यांचे, ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावचे आणि क्रीडा रसिकांचे सहर्ष स्वागत करतो. धन्यवाद माझे सर. धन्यवाद आलेल्या सर्वच मान्यवरांचं पुनश्च एकदा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. दापिवली टीम आणि ढोके दापिवली हा संघ इथे उपस्थित असाल तर आपल्या आपण टी शर्ट कलेक्ट करा, कारण प्रतिस्पर्धी संघ इथे उपस्थित आहे. कारण इनिंग ब्रेकमध्ये आयोजकांनी जो तुम्हाला वेळ दिलाय त्या वेळेमध्ये तुम्ही इथे मात्र दाखल व्हायचं आहे. आपल्या टी शर्ट तुम्ही कलेक्ट करा आणि नाणेफेकीसाठी तात्काळ आमच्या टॉस बॉक्समध्ये या, जिथे तुमची वाट पाहतात आमचे दत्ता मामा बनवट्या. मॅच मध्ये जाऊ, नाऊ बॅक टू क्रिकेट. पहिले षटक इथे कंप्लीट झालं आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपत असताना धावत संख्या फलकामध्ये दुहेरी अंकामध्ये 34 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना 10 धावा. म्हटलं जातं ना गंभीर परिस्थिती सुरुवातीला अक्षय देशमुखने निर्माण केली आणि या गंभीर परिस्थितीमध्ये खंबीर राहणं हे मात्र लिटिल स्टार धारोळ संघाला चांगलं माहिती आहे. कवी शेंडेने मात्र सुरुवातीचा वेळ जाऊ दिला आणि या मॅच मध्ये 10 धावा जमवत असताना पहिल्या षटकावरती आक्रमण करत असताना काय दमदार सुरुवात केली आहे. येणारे 24 बॉल आणि समीकरण असेल बॉलर रन इक्वेशन, 24 धावांची गरज, 24 बॉल आणि 24 धावा. गोलंदाज तयार अंकित, रिव्हर्सचा टाइम करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस सुनील शेंडेचा अगदी संयमी खेळ, शांत क्रिकेट नक्कीच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. कूल कॅप्टन म्हणून ज्याची वर्णी लागते सुनील शेंडेला आपण पाहू शकाल. धावत संख्या स्थिरावली आहे 10 या आकड्यावरती. डोके दापवली टीमला विनंती करून आपण व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला यायचे, आपल्या टी शर्ट आपण कलेक्ट करायचे आहेत. गोलंदाज तयार अंकित, यावेळेस बॅटची कडा आणि शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला फर्स्ट स्लीप मध्ये. अगदी मी तर म्हणेन थोडस अवघड झेल होता आदित्य तिथे होत्या, आदित्य देशमुख तुम्ही पाहू शकाल. छोटा पॅकेट बडा धमाका आदित्यच्या देखील चांगल्या चांगल्या क्लिप्स तुम्ही पाहू शकाल. भरपूर सारी मेहनत आदित्यची देखील कानो टीम साठी राहिली आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहिले तर अद्याप पर्यंत 1 ने पुढे सरकते. 11 धावा धावफलकावरती आहे, 11 रन्स ऑफ द बोर्ड. धावत संख्या धावफलकावरती 11. सुरुवातीला शांत क्रिकेट पाहायला मिळत होतं परंतु आक्रमक रूप धारण केलं कवी शेंडेने, तो मात्र थांबणार नाहीये. पुन्हा एकदा यावेळेस अपिशन पनिश, चेंडू सरळ चाललाय वीरेंद्र सेवाग स्टाईलने डीप बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये, जबरदस्त स्ट्रोक, चेंडू सीमा पार चौकार.
डुसई बाबूशा या मैच मध्ये आपण पहिल्या 34 धावांची गरज होती। प्रतिस्पर्धी संघ आदिवासी विभागातून लेटीस्टार धारोळ संघ आहे। म्हटलं जातं ना पायाला स्पर्श करून जाणाऱ्या त्याच लाटा असतात ज्या मात्र मोठ्या मोठ्या बोटी बुडवण्याचं सामर्थ्य ठेवतात। आणि या वेळेस श्रीवास अटॅम्प करण्याचा प्रयत्न कबीर शिंदेचा सपशेल अपयशी ठरत असताना सीधी उंगली से घी निकलती है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। धावा ये है मैं मात्र तुम्हें आड़वे तेड़े फटके का खेलता हा देखी क्रिकेट मध्य आत्मघात की फटका मानला जो है। धावा धाव फलका मध्य भन्नाट वेगाने पुढ़े सरकत वेल बिगिनी चाह हाफ डन को कार्या की सुरुआत जर तुम्हारी चांगली अल तो काम तुम्हारा अर्ध जाएसारखण य मैच मध्य 34 धावान टार्गेट कंप्लीट करता 15 धावा धाव फलका यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला गॅप मोठा आहे। शतक्षेप वेगाने येतोय दिनेश राऊत काय प्रयत्न केले तफलातून स्वतःला स्ट्रेच केलंय आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडूला आठ ठेवण्याचं काम केलंय। जबरदस्त कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते दिनेश राऊतच्या माध्यमातून। संघासाठी काय मेहनत आहे नक्कीच आपण पाहतोय। गावाच्या अस्तित्वासाठी गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी चालू असलेली ही मॅच तुम्ही पाहताय कानूर बॉईज वर्सेस लिटिल स्टार धारोळ संघ। या दरम्यान पारितोषिक आलेले लघुबटच्या तीन षटकारासाठी याशीर सलीम बुबेर यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक। या वेळेस इथे मात्र फटका गाव्याचा प्रयत्न होता परंतु फलंदाज होत आहेत बाद सेलबाजच्या रूपाने मात्र परतावा लागेल। कवी शेंडेला पहिला धक्का लागत असताना लिटिल स्टार धारोळ टीमला फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन। मध्ये नाणेफेक होईल। मी दानिश बुबेर यांना विनंती करतो आपण यायचंय। दानिश भैया नंतर नायर भाई यासीर भाई नाणेफेक होईल। दापिवली ढोके दापिवली आणि पिंपलोली वाडी या दोन संघामध्ये चांगली मॅच तुम्ही पाहताय। मैदानाच्या आत मध्ये टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी संपन्न होईल। दापिवली संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय। या स्पर्धेविषयी आपल्याला विचारायचं आहे। आपण वाटतंय पहिल्यांदाच का दुसरी फेरी आपली या मैदानावर खेळतात काय वाटतंय या स्पर्धेचं आयोजन? आणि आयोजन खूपच चांगलं आहे। आम्ही गेल्या वर्षी नाईटला पण एंट्री टाकली होती पण त्या कोरोनाच्या काळामध्ये इथे स्पर्धा झाल्या नाही म्हणून यावर्षी आम्ही परत खेळायला आलो सेकंड टाइम। किती धावांचं लक्ष आपल्या समोरच्या टीम समोर मतलब डिफेंड कराल किती धावापर्यंत रोखायला या समोरच्या पिंपोली संघाला आपण क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय? टार्गेट म्हणजे असं काही नाही तरी पण आम्ही आमच्या गोलंदाजीनुसार आम्ही त्यांना कमी रन रोखण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक। फलंदाजी आपली किती धावापर्यंत मजल मारण्याची आपली क्षमता किती धावा करू शकता? मागच्या दोन मॅच बघितल्या एक लो स्कोरिंग मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळतात। किती धावा आपल्या बॅट मधून निघतील? आपले फलंदाज असे कोणते आहेत की जे 50 प्लस पर्यंत पोहोचू शकतात? तर नक्कीच तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे माझे बंधू विनायक गोरे असतील त्यानंतर अनिल पादीर आणि अजून भरपूर प्रसिद्ध खेळाडू आहेत ज्यांची नावं सांगू शकत नाही आहे कारण कोणता प्लेअर कोणत्या फॉर्ममध्ये येतो सध्या अजूनपर्यंत आम्ही डिसाईड करू शकलो नाही त्यामुळं आमचे खेळाडू आमच्या रीतीने किती प्रयत्न करतील त्याच्यावर डिपेंड आहे सर। ओके बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना। जाऊया मॅडीकडे। यावेळेस इथे मात्र फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। जबरदस्त प्रहार करत असताना फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अनिल शेंडे जणू काय हा बॅट्समन मैदानावरती सेट होऊन आलाय की काय। अक्षय देशमुख वरती आक्रमण अक्षयचं स्वागत केलंय षटकाराने कमी धाव संख्येचा पाठलाग करत असताना। ओपिनियन मध्ये आपण पाहिलं तर पिंपलोली संघ गतवर्षी ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न झाली। दामत विरुद्ध हा सामना होता काय त्यांचा खेळ होता जबरदस्त अपलातून खेळ आता मात्र त्यांना फाईट करायचे। डोके दापिवली या संघासमोर चांगला बॅटल यावेळेस इथे मात्र मैदानावरती आपण पाहतो। अनिल शेंडे मिस टायमिंग झालंय क्षेत्ररक्षकेतर वेगाने दिनेश राऊत वड कॅच फलंदाज होतील बाद अनिल शेंडेला देखील परतावा लागेल। कवी शेंडे नंतर लागणारा हा दुसरा झटका।
जबरदस्त मैच मैदाना वरती रंगत अपन पहतो लाइव ऐसी मध्यम ओमसाई एम टी सी लाइव या वाहिनी वरती तुम्हाला नक्कीच घरी बसला देखील या स्पर्धेचा आनंद मिळू शकतो। आपल्या लॅपटॉप वरती स्मार्टफोन वरती टीव्ही वरती तुम्ही पाहू शकाल ही स्पर्धा। फ्रेंड्स चषक गोरेगाव यांच्या वतीने चालू असलेला हा देदीप्यमान सोहळा धावसंख्या धावफलकामध्ये 23 आणि 23 या धावसंख्येवरती लागणारा हा दुसरा धक्का। अद्याप सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर लेटेस्ट तर धारोळ संघ या मॅच मध्ये पकड मजबूत करत असताना, परंतु प्रयत्न इथून तुम्हाला नक्कीच अपयशी करणार नाहीयेत, कारण कानोर संघाचे प्रयत्न देखील अफलातून होते। यापर्यंत सॉनसाईडला आपण पाहतो लॉंगनला सरळ व्ही शेप मध्ये फटका येत असताना दिनेश राऊत त्या ठिकाणी चेंडूला गॅदर करतात। एकाच ऍक्शन मध्ये चांगला झेल त्यांनी मागच्या बॉल वरती टिपला आणि एक धाव इथे कंप्लीट करत असताना संघाची धावसंख्या 24 या आकड्यावरती। समीकरण आता मात्र येणारे 15 बॉल आणि 10 धावांची गरज हे इक्वेशन या मॅचचा, म्हणजे जर विचार केला तर आता मात्र अंतर कमी झाल्यासारखं वाटतंय लेटेस्ट धारोळ संघासाठी। जो प्रेशर होता तो मात्र अगदी रिलीज करत असताना सन्मान दिलाय सिंगलने देखील। धावसंख्या इथे कंप्लीट करून देखील सामना आपल्या बाजूने येऊ शकतो हे लिटिस्ट तर धारोळ संघाला चांगलं माहिती आहे, कारण जितेंद्र शेंडे आणि त्याला साथ देत असताना सलामीवीर फलंदाज सुनील शेंडेला तुम्ही पाहू शकाल, कारण मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज नसेल। आता मात्र सामना आपल्या बाजूने जवळजवळ खुला झाल्यासारखं वाटतंय। 9 चेंडू आणि 16 धाबांवरती खेळत असताना यावेळेस इथे मात्र जबरदस्त गोलंदाजी अफाट मेहनत चांगली गोलंदाजी अक्षय देशमुखचा विचार केला तर भन्नाट वेग त्याच्याकडे अचूक टप्पा त्याच्याकडे चांगली गुणवत्ता चांगलं पोटेन्शियल त्याच्याकडे, कारण सातत्याने आपण पाहतो हा व्यवसाय खेळाडू म्हणून का गणला जातोय याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण अक्षय देशमुखच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतंय। अक्षरशः आगीचे निखारे या मैदानावरती टाकले जात आहेत। व्हेरी गुड बॉलिंग सात मात्र लाभली नाही अक्षयला। जर धावसंख्येचा पाठबळ असेल तर कदाचित या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकला असता तो म्हणजे कानोर संघ। यावेळेस मिस टायमिंग झालंय, उंची जास्त पाहायला मिळते, अंतर कमी आणि सेल ड्रॉप कॉल होत नाहीये। नकुल राऊत आणि दिनेश राऊत काय घडलंय मैदानावरती आणि याचं रूपांतर दोन धाबांमध्ये होत असताना धाबा तुम्हाला वाचवायचे आहेत, परंतु इथे धाबा अक्षरशः बहाल केल्या जात आहेत। एक एक विकेट तुम्हाला महत्वाची आहे आणि एक एक डॉट चेंडू तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे, परंतु इथे दोन धाबा खर्च करत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचते। 3 षटकांचा खेळ इथे संपत असताना 9 सरासरीने 27 धाबा धावफलकामध्ये लगावल्या गेल्यात आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी समीकरण उरलंय येणारे 12 चेंडू आणि 7 धावांची गरज। सत्तावीस धाबा धाव फलकावरती आहेत पूर्णपणे या मॅच वरती कामिल। जर आपण पाहिला बाबूचा तर पगडा मजबूत असेल तो म्हणजे लिटी स्टार धारोळ टीमचा। कानोर टीमसाठी एकच सांगेन, आमचे सन्माननीय मास्टर देखील इथे उपस्थित आहेत, उठा आणि संघर्ष करा। 12 चेंडू मध्ये 7 धावांची गरज आहे, मॅच अजूनही बॅलन्स असेल, एखादा षटक मैदान आला तर या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो तो म्हणजे कानोर बॉईज संघ। गोलंदाज दिनेश राऊत तयार, यावेळेस इन साइड आउट लाजवाब स्ट्रोक, चेंडू सरळ चालला डीप एक्सचा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आणि यावेळेस मिळत आहे ते म्हणजे जितेंद्र शेंडेला दोन धावा। चांगलं कमबॅक, शिरकाव करण्याचा हार मंजूर नसेल कानोर टीमला, हार मंजूर नसेल लिस्टिल स्टार धारोळ टीमला आणि या मॅच मध्ये वापसी करत असताना जितेंद्र शेंडे दोन धावाने मात्र संघाचा धावफलक पुढे सरकताय। ऑन साइडला लॉंग द कार्पेट एकच धाव तिथे वळते, सहजतेने पूर्णपणे सामन्याची हवा काढली मी तर म्हणेन धारोळ टीमने। कमी धावसंख्येचं टार्गेट चेस करत असताना पहिली मॅच तुम्ही पाहिली असेल मोरिली संघाने चेस करत जिंकली, आता मात्र लिटिल स्टार धारोळ संघ या मॅच वरती पकड मजबूत करत असताना सुनील शेंडे यावेळेस फटकात चांगलाय उंची
क्षणाला अंतिम क्षणाला त्याला मात्र अपयश आलं. एकच सांगेन लिटिल स्टार धारोल टीम साठी ना कुणाशी स्पर्धा असावी ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी, फक्त स्वतःला सिद्ध करण्याची जिद्द तुमच्या अंगी असावी हाच तर खेळ क्रिकेटचा असो. आणि ते करत असताना लिटिल स्टार धारोल टीम जबरदस्त कामगिरी त्यांची अद्याप पर्यंत पाहायला मिळते. यावेळेस कबरच्या दिशेने फटका चांगला उडवलाय. यावेळेस क्षेत्ररक्षक तैनात आहे डीपला, तोपर्यंत फक्त एकच धाव तिथे मिळते आहे. सिंगलने सामना नक्कीच विजय होऊ शकल हे माहिती आहे जितेंद्र शेंडेला. आणि सिंगल डबलला मात्र कन्वर्ट करत असताना धाब संख्येमध्ये, कारण ज्याप्रमाणे क्रिकेटची लाईफलाईन सिंगल डबल असते ज्याप्रमाणे मुंबईची लाईफलाईन मुंबईची लोकल आहे. यावेळेस धाब संख्येला आपण पाहिला तर आकार देत असताना अजून एक झेल ड्रॉप, चुका चुका आणि चुका पाहायला मिळतात त्या म्हणजे कानोर बॉईज संघाच्या. धाब संख्या फलकामध्ये जाऊन पोहोचतात. या वेळेस 32 च्या आकड्यामध्ये फक्त आणि फक्त दोन धावांची गरज आहे. 7 चेंडू आणि 2 धावा. ऑन साइडला फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात, सोपा सेल तिथे कॅरी केला जाईल. शेवटच्या षटकामध्ये मॅच जाईल आणि यात मात्र शंका नाहीये, अद्याप 2 धावांची गरज असेल. मॅच बॅलन्स आहे, कुठेही जाऊ नका. पात्र फ्रेंड चषक गोरेगाव 2021 चे पर्व आणि चालू असलेली मॅच लिटिल स्टार धारोल वर्सेस कानोर बॉईज कानोर. गरज असताना कामिल या मॅच मध्ये रंगत वाढतीये. आता मात्र प्रेक्षकांना कळून चुकलं की काय या मॅच मध्ये काय होईल असा देखील सवाल इथे मात्र उभा राहतोय. कारण 12 चेंडू 7 धावांमध्ये आपण पाहिलं तर ज्या कानोर संघाने चुका केल्या त्या षटकामध्ये ज्या झेल ड्रॉप केल्या आता मात्र कुठेतरी त्या कामी आल्या असत्या. कारण या मॅच मध्ये रंगत वाढतीये, मॅच मध्ये जान ओकतीये कानोर टीम देखील. येणारे 6 चेंडू 2 धावांची गरज. वड मॅच, वड क्रिकेट, प्रेक्षकांची मनं जिंकली जात आहेत. एकच सांगेन, ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःच्या ध्येयावरती पूर्णपणे विश्वास ठेवाल त्या दिवशी तुम्हाला कोणीच रोखू शकणार नाहीये. आता विश्वास ठेवावा लागेल कानो टीमला स्वतःच्या जिद्दीवरती. जिद्द, चिकाटी, मेहनत ही तुमच्या अंगी असावी लागेल. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. ओर पिच बॉल आणि पहिल्याच बॉल वरती आक्रमण, सामना फिनिश. MS धोनी स्टाईल ने मात्र सामना फिनिश. लिटिल स्टार धारोल संघ या मॅच मध्ये विजय होत असताना विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम कानोर बॉईज. तर आपण या सामन्याचं नक्कीच हे छायाचित्र पाहू शकाल. हस्तांदोलन करत असताना, हँडशेक करत असताना दोन्ही संघ, या स्पर्धेची शिस्त या स्पर्धेचा मूलभूत पाया आहे. फ्रेंड चषक गोरेगाव, ग्रामस्थ मंडळ गोरेगाव आणि उमर 11 गोरेगाव यांच्या वतीनं चालू असलेला हा दैदिप्यमान सोहळा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट लो स्कोरिंग मॅचमध्ये ज्याने चांगली गोलंदाजी केली आहे, 2 षटक हाताळत असताना मात्र चांगली कामगिरी त्यांनी केली. 4 विकेट त्यांनी प्रस्थापित केल्या गोलंदाजी करत असताना लिटिल स्टार धारोल संघासाठी. आणि फलंदाजी करत असताना 5 धावांचं योगदान त्यांनी द्वितीय सत्रामध्ये दिलं. असा खेळाडू अष्टपैलू मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट वन अँड ओनली जितेंद्र शेंडे. हॅलो, या ठिकाणी दत्ता डोंगरे यांना विनंती करतो की आपण मंचावर येऊन स्थानपण नावाचे पाडगावचे दत्ताजी डोंगरे. सर मॅन जितेंद्र शेंडे
मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड इतने कलेक्ट किया जाए तो मैं विनंती करेन दत्तामामा बनोटे अपन पुढील सूत्र तुम्हारा हाथी घ्यावे। या ठिकाणी मी नादिर बुबेर आणि दानिश भाई यांना विनंती करतो की आपण यायचंय, आपल्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जाईल। हॅलो हॅलो डोके दापिवली संघाला विनंती असेल आपण मैदानाचा ताबा घ्या। मित्रांनो ऑलरेडी आपण तुमच्यासाठी भरपूर वेळ दिला, ही सूचना महत्त्वाची आयोजकांच्या वतीने येते कारण समालोचकाचं काम असं जे आयोजक आम्हाला सूचना करतात तर आपण प्लीज त्या सूचनांचं पालन करा कारण प्रतिस्पर्धी संघ डगआउट मध्ये आहे तो म्हणजे पिंपलोली संघ, तो प्लीज वेळ तुम्ही घेऊ नका, जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये अन्यथा तुम्हाला पेनल्टीला सामोरे जावे लागेल। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जितेंद्र शेंडे याला देण्यात येत आहे, दानिश भाई बुबेरे नादिर भाई यांच्याकडून हे मेडल जी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी बघतोय आपण ती आपल्याला उपलब्ध झाली आहे इरफान नजे आणि साजिद गाजी यांच्याकडून आणि मेडल प्रमोद खंडागले यांच्याकडून, धन्यवाद मान्यवरांचं। दापिवली संघ अपन क्षत्ररक्षण लावून घ्यायचंय आपापला 12